ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हर कोई इंसान अपनी कोई इच्छा रखता है और वो उस इच्छा को पूरी करने के लिए, उस मनोकामना को पूरी करने के लिए कोई भी हद तक जाता है, मतलब कुछ भी कोशिश करता है। जैसे भगवान के व्रत करना, पूजा पाठ करना, हर तरह से कोशिश करता है कि उसकी बस इच्छा पूरी हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि पर अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो एक महीने के अंदर आपकी इच्छा पूरी होगी अगर आप एक ही छोटा सा उपाय करेंगे शिव जी भगवान का। तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ जी के इस उपाय के बारे में। देखिए डियर, अगर आपकी कोई मनोकामना हो और वो पूरी नहीं हो पा रही हो तो आप बस एक छोटा सा ये उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। साल के हर महीने में शिवरात्रि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। इनमें से किसी भी एक शिवरात्रि को व्रत करें। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में शाम को प्रदोष काल में जाएं और शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर कुंदेश्वर महादेव की महादेव को स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। शिवलिंग के बिल्कुल सामने खड़े होकर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, उन्हें याद करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। एंड उसके बाद सफ़ेद फूल से शिवलिंग और शिवलिंग की जलधारी का श्रृंगार करें, यानी कि सफ़ेद फूल से शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए, उन पर सफ़ेद फूल चढ़ाइए और महादेव की कृपा से देखिएगा कि अगले महीने जो आने वाली शिवरात्रि होगी, जैसा कि मैंने बताया कि हर महीने शिवरात्रि आती है, तो उस शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक बार कोशिश कर देखिएगा और बिल्कुल सच्चे मन से डियर, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आपका मन बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो। कोई अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो ये उपाय काम नहीं करेगा। अगर आप भलाई चाहते हैं किसी की, अपनी भी या किसी की भी, तो ज़रूर पूरी होगी आपकी इच्छा। लेकिन कभी किसी का बुरा चाहेंगे तो डियर नहीं होगा। तो और एक विश्वास बहुत ज़रूरी है, भरोसा रखिएगा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर जाना। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू डियर।